गुड मॉर्निंग क्लास सर, आज हम आपके ईवीएस का थर्ड चैप्टर वाटर ओ वाटर पढ़ेंगे। आई विल वॉश माई फेस विद वाटर, सेड मुन्ना टू हिज नानी। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। वी ऑल क्वेंच आवर थर्स्ट विद वाटर, वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। वाटर हैज बीन विद अस फॉर एजेस, इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस। प्यासे प्यास बुझाते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। समवेयर इट इज ड्यू, समवेयर इट इज स्नो। स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो। वाटर हैज फॉर्म सो मेनी दैट इज व्हाट से माई नानी। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। देयर रिवर फ्लो द वाटर फॉल सिंग एंड वाटर सो वेल इन लेक्स एंड स्प्रिंग। नदियां बहती कल कल कर, झरने करते छल छल छल। तालों में लहराता है जल, कुओं में आता निर्मल। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज brought water fills and life they got। धरती पर जीवन लाता है, खेत सींच कर लहराता है। But when the water digs in floods great misfortune it always works। पर यह जब बाढ़ लाता है तो भारी आफत ढाता है। देख लिया बच्चों, आपने पानी को अलग अलग रूप में पढ़ा कि पानी किस तरह से हमारे लिए उपयोगी भी है और जब यह विकराल रूप में होता है तब यह किस प्रकार की आफत लाता है, बाढ़ के रूप में हमारे जीवन में आफत लाता है। एक पानी के कितने अलग अलग रूप हैं, वो एक पानी की छोटी सी ओस की बूंद के रूप में भी है और वो बर्फ के रूप में भी है और कहीं भाप के रूप में भी है। इस प्रकार पानी के कितने प्रकार के रूप है। ठीक है बच्चों, क्लास चल, अब आप इस पोयम को लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके भी मैं लिख के भेज रही हूँ, आपको कॉपी कीजिए। ओके, थैंक यू।